अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट दी हुई है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, इनमें जो सबसे अहम आपकी होती है वो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाती है, आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसके बाद हम साथ साथ क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब वो कह रहे हैं 20 feet लॉन्ग लैडर इज लीडिंग अगेंस्ट द वॉल। हम क्या कहते हैं कि दीवार है, चूहे दीवार है, ठीक है। उसके साथ एक जो है सीढ़ी है, यूं जिस लैडर मतलब सीढ़ी कितनी है, कह रहे हैं कि 20 feet की एक सीढ़ी जो है इस दीवार के साथ क्या करने के लिए लगा दी है। पहले 20 feet लॉन्ग लैडर इज लीडिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। अच्छा, इस स्टेटमेंट ठीक 20 feet अगेंस्ट अवार दीवार के साथ 20 फुट की सीढ़ी जो है वो लगा दी गई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 feet फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये जो दीवार है ना, वॉल कह रहा है, इसकी जो बेस है, और कह रहा है जो सीढ़ी का पांव है, द बॉटम ऑफ द लैडर जो उसका है बॉटम है, इज 5 feet, कह रहा है कि यहां से दीवार तक वो कितनी दूर है, 5 feet के फासले पर है। मतलब यूं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सपोज दीवार है, उसके साथ यूं वो क्या कर रहे हैं, एक लगा रहा है सीढ़ी लगी 20 फुट की। अब ये तो दीवार का पांव और यहां तक जो फासला है, ये दूर जो है वो कितनी है, 5 feet तक दूर है। अच्छा, यहां तो कह रहे फाइंड एक्यूट एंगल दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। कह रहे हैं कि ये जो एंगल है ना, ये जो सीढ़ी यहां बना रही है वो बताएं कि यहां एंगल कितना है, इन दोनों के दरमियान कितना है, कितनी पीछे हटी हुई है। ये वाला एंगल जो हमें फाइंड करना है, ए बी सी हम क्या कर रहे थे उसका नाम दे। अब हमारे पास ट्रायंगल हम लिखेंगे कि एन ट्रायंगल ए बी सी, ये बी सी ट्रायंगल, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस एक्सरसाइज के पहले जो क्वेश्चन है उनको मैंने ऑलरेडी उनके लिए वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, और उनमें भी ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई। मैं ये दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मतलब है कि यहाँ आप खड़े हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल जो जो लाइन है, जैसे आपका फर्श है, नीचे जमीन है, जो हॉरिजॉन्टल है, और आप ऊपर कहीं आसमान की तरफ देख रहे हैं, या किसी चीज़ को, कुछ छत पे या किसी दीवार की तरफ आप यूँ देख रहे हैं ऊपर, तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है, यानी आपकी जो नज़र की लाइन है वो यूँ बन रही है, बिल्कुल यूँ स्लोप पे बन रही है। तो अगर एंगल हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट की तरफ बन रहा हो, यानी लाइन ऑफ साइट आपके ऊपर है और हॉरिजॉन्टल क्या है आपका, यूं है, हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर की तरफ एंगल बन रहा हो, तो हॉरिजॉन्टल जो है लाइन ऑफ साइट नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यानी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कोई चीज़ पड़ी है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर यहाँ से ऊपर यूं देख रहा है, ऊपर की तरफ यूं उसकी यूं नीचे खड़ा है और यूं ऊपर की तरफ उसकी नजर देख रहा है। तो इसी तरह वो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ऑब्जर्वर जो है यू ऑब्जर्वर है, ये उसकी देखो क्या है साइट है, और किसी पुल पे खड़ा है या किसी छत जगह या किसी हाइट पे खड़ा है और वो यू नीचे की तरफ देख रहा है, तो अब उसकी लाइन ऑफ साइट क्या है, डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल उसका ये हो गया और लाइन ऑफ साइट क्या हुआ, ये हो गया। तो अगर हॉरिजॉन्टल के डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ एंगल बन रहा हो, तो वो एंगल ऑफ क्या होता है, डिप्रेशन। डी फॉर डिप्रेशन, डी फॉर डाउन, नीचे की तरफ यूं डाउन हो गए,
तो डी फॉर डिप्रेशन, डी फॉर डाउन से आप याद रख सकते हैं, उसका अपोजिट एलिवेशन होता है, एलिवेशन को आप एलिवेटर से याद रख सकते हैं, एलिवेटर मतलब जो आपकी लिफ्ट होती है आपको नीचे से ऊपर राइज कर रही होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की समझ आ गई। ये जो साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बेस, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। ये स्टेटमेंट की मदद से हमने ट्रायंगल बनाई हुई थी। अब हम जो है इनमें से वो वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज का जिक्र हो रहा हो, ताकि बेस और हाइपोटेन्यूज की मदद से हम क्या कर सकें, ये वाला एंगल निकाल सकें। तो देखो बेस और हाइपोटेन्यूज कहाँ आती है, कॉस थीटा आती है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब ये इसका बेस है, ये वाली साइड में ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। तो cos थीटा आपके पास बेस क्या है, मेजरमेंट ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, मेजरमेंट ए सी एन, मेजरमेंट ये 20 इसकी मिकदार है, मेजरमेंट है वैल्यू है। ए बी के ऊपर जो लाइन लगी है, इसी तरह ए सी के ऊपर जो लाइन जेबल लग रही है, इस चीज को शो कर रही है कि ये साइड है, इसलिए ऊपर लाइन लगी है, साइड है। और अगर इसी तरह अगर मैं ए बी लिखूं और उसके ऊपर मैं ये लाइन लगा दूं, तो फिर ये क्या होगा, तो ए बी के वेक्टर की फॉर्म में चल रहा है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस थीटा हमारे पास क्या है, फाइंड करना है, इस पर रहना है, वैल्यू पुट कर दो। ए बी हमारे पास कितना है, 5 feet है, और ए सी, ए सी जो है वो हमारे पास कितना है, 20 feet है। देखो ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 foot है, नीचे ए सी का, ए सी ये वाली साइड बी सी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 divided by 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, ठीक है जी, 0.25 आ जाएगा। अब हमें चाहिए थीटा, तो थीटा चाहिए, इसलिए थीटा इधर रह जाएगा, कॉस जो है जब उस तरफ जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा और 0.25। अब आपने इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में जो सेकंड फंक्शन होता है जो शिफ्ट होते हैं वो बटन आप प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉस का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके पास कॉस इनवर्स इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। उसके आगे क्या कर दोगे, जस्ट वैल्यू का शिफ्ट, फिर कॉस का बटन, फिर 0.25 और फिर इक्वल का बटन, आएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कैलकुलेटर के साथ वैल्यू, तो ये मेरे पास आ जाएगी 7.25 जो है हमारे पास इसकी जो एंगल है वो हमारे पास इसका आ गया 75.52 degree, हमारे पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, से कहीं समझ नहीं आया, कोई एक्स्ट्रा नीचे कमेंट में जो है आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको जो है कमेंट में छोड़ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।